यूटी चंडीगढ़ सबोर्डिनेट सर्विसेज फेडरेशन एम फेडरेशन से संबंधित चंडीगढ़ के सभी यूनियन के वर्कर्स द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 से निकाले गए सैकड़ों रखरखाव कर्मियों के समर्थन में विशाल प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर किया गया। इस धरने में छात्र संगठन स्टूडेंट फॉर सोसाइटी भी इन्वॉल्व रही। फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा एवं छात्र संगठन के सदस्य संदीप सिंह ने एक साझा जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 चंडीगढ़ में अवैध वसूली और चंद पैसों के लिए RR बिल्डर्स प्राइवेट एजेंसी ठेकेदार द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी में 15 साल पुराने वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया गया और ये पूरा प्रकरण पंजाब यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार एवं एक्सएन आरके राय की भागीदारी के साथ किया गया। आइए आपको इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे लिए चलते हैं प्रधान रंजीत मिश्रा के पास। मैं रंजीत मिश्रा यूटी एसएस फेडरेशन अध्यक्ष, मैं चंडीगढ़ के तमाम कर्मचारियों से, उन सभी जत्थेबंदियों से विनम्र निवेदन है। ये 3-4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है जो हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे भाइयों के साथ, यूनिवर्सिटी के सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के साथ धक्का हुआ है और बहुत बड़ा धक्का है। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के आला अधिकारी भी मिले हुए हैं, रजिस्ट्रार साहब, एक्सियन आरके राय जी और वाइस चांसलर जी का भी, मुझे लगता है, अभी तो मुझे डाउट है कि मैडम शायद इन कर्मचारियों की आवाज़ सुने, लेकिन 3 दिन से यहाँ बैठे इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं धन्यवाद करूँगा संदीप जी का जो यहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन के प्रधान हैं और वो बिल्कुल इनका दर्द समझ के इनके साथ खड़े हैं। तो आप सबसे, चंडीगढ़ के सभी कर्मचारियों से, जितने भी कर्मचारी फेडरेशन के तहत जितनी भी यूनियन चल रही हैं, उन सभी से विनम्र निवेदन है कि कल 3 बजे का हमने टाइम रखा है, कल 3 बजे आप लोग ड्यूटी छूट के जो जैसे एडजस्टमेंट कर सकता है वो यहाँ पहुँचे और इन भाइयों को न्याय दिलाने के लिए इनको छोटा सा हमने ट्रेलर दिखाना है और ये बताना है कि ये तो छोटा सा ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। अगर कहीं इन कर्मचारियों को जल्दी नहीं रखा गया तो आने वाले समय में यहाँ बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी पंजाब यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर का, रजिस्ट्रार का और आरके राय एक्सियन का होगा, जिनके रहनुमाई में ठेकेदार काम कर रहे हैं और इनको निकाल कर अपने नवे बंदे पैसे ले लेके रख रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी इनकी होगी और चंडीगढ़ प्रशासन की भी होगी, किसी प्रकार का यहाँ माहौल खराब होता है या इन कर्मचारियों के बच्चे जैसे भूखे मर रहे हैं, इनका परिवार भूखा मर रहा है, अगर किसी भी परिवार में किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार पंजाब यूनिवर्सिटी के आला अधिकारी और चंडीगढ़ प्रशासन होगा। ये आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि कल 3 बजे यहाँ इतने बड़े तादाद में आओ कि उस तादाद को देखकर इन कर्मचारियों को तुरंत इनको रखने पर मजबूर हो जाए। और यही BC आपकी जहाँ खड़े हैं बिल्कुल ध्यान से सुन ले, पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 BC ऑफिस, वाइस चांसलर ऑफिस के गेट पे इकट्ठा होना है साथियों। सभी लोग बिना किसी संकोच के, बिना किसी फालतू काम के यहाँ जरूर पहुंचे, इन कर्मचारियों की अगर नौकरी बचानी है साथियों, क्योंकि ये भी कर्मचारी आप जैसे ही हैं, आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं वैसे ही ये काम कर रहे हैं, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। अगर इनको निकाल दिया गया तो आप लोग भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए आज इनका हम घर बचाएंगे तो कल हमारे घर बचाने के लिए ये भी हमारी मदद करेंगे। इसलिए प्लीज आप लोगों से विनती है, सभी कर्मचारियों से चंडीगढ़ के, कि 3 बजे यहाँ पहुंचे और इन कर्मचारियों के सहयोग के लिए 1 घंटा अपना ये योगदान दें ताकि इन परिवार का रोजी रोटी हम बचा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।